दोस्तों इस स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और कई दिनों से दोस्तों हम लोग मास्टर रिवीजन क्लास पर बात कर रहे थे और आज मुझे लगा कि थोड़ा सा हटके चलते हैं, आज सब्जेक्टिव चीज़ों पर कुछ बातचीत कर लेते हैं। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कंप्यूटर की क्लास। कंप्यूटर की क्लास देखिए कोई मास्टर क्लास नहीं है, आज स्पेशली हम सिर्फ एक टॉपिक पर बात करने वाले हैं, वो है कंप्यूटर नेटवर्किंग। आजकल कंप्यूटर से रिलेटेड आपकी परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो मुझे लगा कि एक जो सबसे कठिन टॉपिक है सबसे पहले वो मैं आपको पढ़ा देता हूं। तो यहां से आज हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग वाली टॉपिक से, क्योंकि यहीं पर हम पढ़ेंगे कि नेटवर्किंग कितने प्रकार का होता है, नेटवर्किंग क्या होता है, कंप्यूटर को कैसे कनेक्ट किया जाता है, टोपोलॉजी क्या होता है, क्लाइंट कंप्यूटर क्या होता है, सर्वर कंप्यूटर क्या होता है। इस तरह से बहुत सारे तथ्य हैं जो आपके मन में बड़ी शंका बनाते हैं। ठीक है, तो आज हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं, पढ़ने वाले। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इस तरह के वीडियोज अच्छे लगते हैं तो आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। एक बात और याद रखिएगा, स्टडी 91 चैनल पर सभी विषय को डिटेल से और चैप्टर वाइज पढ़ाया गया है, तो जो भी विषय आपका कमजोर है ना, उस विषय को आप आकर के हमारे प्लेलिस्ट से पढ़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों बात आती है कंप्यूटर नेटवर्किंग में नेटवर्क की। दोस्तों नेटवर्क होता क्या है, बड़े सामान्य शब्दों में मैं आज आपको चीजों को सिखाने वाला हूं। देखिए यहां पर लिखा हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि नेटवर्क, नेटवर्क का मतलब क्या होता है, करा जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर को, यानी जाहिर सी बात है नेटवर्किंग करना है तो कम से कम दो कंप्यूटर की आवश्यकता होगी। एक कंप्यूटर में नेटवर्किंग थोड़ी होगा, तो कम से कम दो कंप्यूटर की जरूरत होगी, चाहे दो या दो से अधिक, तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस कितना भी हो सकता है। ठीक है, तो याद रखिए जब कभी दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को एक दूसरे से जोड़ देते हैं तो उन कंप्यूटरों में नेटवर्क की उत्पत्ति होती है, जोड़ने से ही नेटवर्क की उत्पत्ति हो जाती है। करा दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को आपस में फिजिकल रूप में जोड़ना, फिजिकल माने समझते हैं ना, एक होता है फिजिकल एक होता है वर्चुअल। क्या क्या होता है, फिजिकल और वर्चुअल। जैसे मान लीजिए फिजिकल कब होता है, जैसे अगर आपको अपने मोबाइल को चार्ज करना है तो फिजिकली चार्ज करते हो, कैसे यार, वायर को क्या करते हो, सॉकेट से कनेक्ट करते हो और दूसरी तरफ से आपका मोबाइल कनेक्ट होता, तो ये फिजिकली आपको दिख रहा है। ठीक है, तो ये फिजिकल हो गया। एक वर्चुअल भी होता है, तो वर्चुअल एक अलग होता है, वर्चुअल में आप चीजों को देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, तो वो हो जाता है वर्चुअल। जैसे अगर मैं बात कर दूं एज एग्जांपल, तो कह सकता हूं कि आजकल जो आगे आने वाले जनरेशन है उसमें क्या होगा, वायरलेस चार्जिंग का एक जमाना आने वाला, वायरलेस चार्जिंग मतलब बिना वायर के भी आपकी मोबाइल चार्ज हो जाएगी। आज भी इस तरह की मोबाइल मार्केट में आती है, तो वहां पर आप वर्चुअल बोल सकते हो। इसी तरह से नेटवर्क भी दो तरीके का होता है, एक फिजिकल नेटवर्क होता है, एक वर्चुअल नेटवर्क होता है। ठीक है, तो यहां कह रहा है कि फिजिकल रूप से जोड़ना, यानी किसी वायर के माध्यम से, किसी तार या केबल के माध्यम से जोड़ा जाता है। तो याद रखिए जोड़ने की प्रक्रिया ही क्या कहलाता है, नेटवर्क कहलाता है, और इस पूरी प्रक्रिया को नेटवर्किंग का नाम दिया जाता है। कह रहा है जब कंप्यूटर में नेटवर्क आ जाता है तो उसे नोड कहते हैं। क्या कहते हैं, नोड। अब आप देखिए, आप किसी नॉर्मल बच्चे से पूछ दो कि भाई नोड क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है नोड क्या होता है। तो याद रखिए यहां पर एक लाइन में लिख रहा है कि जब कंप्यूटर में नेटवर्क आ जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, उसे नोड कहा जाता है। और नोड का अर्थ ही क्या होता है, नोड का मतलब ही होता है नेटवर्क युक्त कंप्यूटर, यानी एक ऐसा कंप्यूटर जिसमें नेटवर्क हो, जिसमें नेटवर्क हो। नेटवर्क होता क्यों है, आपको दो कंप्यूटर जोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी, आपको दो कंप्यूटर जोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी, इसलिए पड़ी क्योंकि डेटा का ट्रांसमिशन होना था, डेटा एक जगह से उठकर दूसरे जगह पर जाना था, इस वजह से आपको जोड़ने की जरूरत पड़ी। तो जाहिर सी बात है कि जब कंप्यूटर को आपस में जोड़ेंगे तो डेटा का ट्रांसमिशन हो पाएगा, डेटा एक जगह से दूसरे जगह पर आ सकता है, जा सकता है, और यही होता है नेटवर्किंग। क्या होता है यही, इसी को नेटवर्क कहा जाता है, नेटवर्किंग। यहां पर आप इमेज में देख पा रहे होंगे कि सभी कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हैं, कोई भी डेटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक बड़े आराम से पहुंच पाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला पॉइंट है नेटवर्किंग, उसी नेटवर्क से निकला हुआ पॉइंट है नेटवर्किंग। करा दो या दो से अधिक कंप्यूटरों के बीच डेटा का आदान प्रदान होना। डेटा मतलब क्या होता है, सूचना। सूचना मतलब किसी भी तरह की सूचना हो सकती है। सूचना में जैसे मान लीजिए ये जो हम क्लास बना रहे हैं, ये क्लास भी आप तक पहुंच रहा है ना, ये भी आपके लिए डेटा है, ये भी आपके लिए एक डेटा है। तो डेटा यानी सूचना, सूचना में फाइल हो सकता है, कोई MP3 सॉन्ग हो सकते हैं, कोई वीडियोस हो सकता है, कोई एक्सेल सीट हो सकता है, कोई वर्ड फाइल हो सकता है, कोई PPT हो सकता है, कोई PDF हो सकता है, कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है, मतलब एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, कोई इमेज हो सकता है, कोई GIF JPG फाइल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो याद रखिए यहां पर डेटा का आदान प्रदान होना ही क्या कहलाता है, नेटवर्किंग कहलाता है। क्या कहलाता है, नेटवर्किंग।
कारण नेटवर्क के बगैर नेटवर्किंग संभव नहीं है। सही बात है, जब आपका कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्ट नहीं रहेगा तो किस बात की नेटवर्किंग, किस बात की नेटवर्किंग, समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिंक, एक शब्द है लिंक। किसी से आप पूछो सर लिंक क्या होता है, आपने हाइपरलिंक जैसे शब्दों का नाम सुना होगा, बट मैं आपसे पूछ रहा हूं लिंक क्या होता है, LINK, लिंक। ठीक है, कह रहा है कि दो या दो से अधिक कंप्यूटर के बीच डेटा को लाने अथवा ले जाने का माध्यम। भाई कोई ना कोई माध्यम होगा ना, कोई ना कोई मीडियम होगा ना। सपोज करो ऐसे समझो, मान लो आपको यहां से मुंबई जाना है, आपको यहां से मुंबई जाना तो कोई ना कोई साधन चाहिए। आप भाई टू व्हीलर से जा सकते हो, फोर व्हीलर से जा सकते हो, किसी बस से जा सकते हो, ट्रेन से जा सकते हो, प्लेन से जा सकते हो, शिप से जा सकते हो, भाई जो भी सुविधा हो। तो यहां से मुंबई तक जाने में जो ये दूरी है, ये दूरी किसी न किसी माध्यम से कवर हो पाएगी, है कि नहीं, किसी न किसी माध्यम से। आप पैदल भी जाओगे तो पैदल भी क्या है, एक माध्यम है। तो कोई ना कोई माध्यम चाहिए। उसी तरह से जो डेटा होता है ना, उस डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने में कोई ना कोई माध्यम चाहिए होता है, और वही माध्यम कौन सा होता है, लिंक। वही माध्यम क्या होता है, इस लिंक को ही माध्यम माना जाता है। करें इसकी पहचान नेटवर्क से किया जाता है। नेटवर्क के अंदर लिंक होते हैं, जो लिंक क्या करते हैं, एक दूसरे जगह तक डेटा को ट्रांसमिट करने में मदद करते हैं, याद रखेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सर्वर। सर्वर क्या होता है इसके बारे में जान लीजिए। देखिए कंप्यूटर में बहुत ज्यादा लेक्चर मैं नहीं लूंगा, मैंने यही डिसाइड किया है कि कंप्यूटर में सबसे पहले लोग क्या करते हैं ना, पांच जनरेशन पढ़ाते हैं, उसके बाद इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, वही इनपुटिंग करना, फिर प्रोसेसिंग, फिर जो है आउटपुट हो गया, अलग अलग डिवाइस कौन कौन से होते हैं, कौन कौन सी इनपुट है, कौन कौन से आउटपुट डिवाइस है, सीपीयू के बारे में, एएलयू के बारे में, सीयू के बारे में, एमयू के बारे में, फिर रैम के बारे में, ठीक है, फिर रोम के बारे में, ठीक है, यही सब पढ़ाने में टाइम वेस्ट हो जाता है। तो मैं चाहता हूं कि मैं आपको पीछे से पढ़ाऊं, पीछे मतलब जो सबसे टिपिकल पार्ट है, जिसको आपने नहीं पढ़ा पहले, वो आप हमसे पढ़ लो, बाद में हम लोग इनपुट आउटपुट इस सब पे बातचीत कर लेंगे, कोई दिक्कत, कोई आपत्ति आपको नहीं। देखिए ये कंप्यूटर की डिटेल वाली क्लास है, ठीक है, जिस तरह से ज्योग्राफी, बायोलॉजी और हिंदी, इन सब की डिटेल क्लासेस आपको दी गई, हिस्ट्री वगैरह की, तो ये कंप्यूटर की डिटेल वाली क्लास है, याद रखिएगा। इसको आप सामान्य क्लास मत समझिएगा, ये काफी लंबी सीरीज में चलने वाली, मुझे लगता है कंप्यूटर में कम से कम 20 लेक्चर मैं आपको देने वाला हूं। 20 लेक्चर में पूरा का पूरा कंप्यूटर आपको एकदम रट जाएगा, तैयार हो जाएगा, आप केवल मेरे साथ लगे रहो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं दोस्तों, सर्वर क्या होता है, बड़े ध्यान से देखिएगा। कह रहा है नेटवर्क का वह कंप्यूटर जो अपने से जुड़े हुए अन्य कंप्यूटरों की आवश्यक की पूर्ति करता है या पूर्ति करने का प्रयास करता है, सर्वर कंप्यूटर कहलाता है। क्या कहलाता है, सर्वर कंप्यूटर कहलाता है। दोस्तों आप नहीं समझ पा रहे होंगे कि सर्वर एक्चुअली क्या है ना, आपके घरों में एक पीसी लगी होती है, आप उसी को जानते हो कि यही भाई कंप्यूटर होता है। जब आप कभी ऑफिस ज्वाइन नहीं किए, क्योंकि अभी आप पढ़ाई कर रहे हो, आगे जब बढ़ोगे आपकी नौकरी लग जाएगी, आप देखोगे कि ऑफिस में सर्वर कंप्यूटर हुआ करते हैं। सर्वर एक तरह से कह सकते हो मेन कंप्यूटर, सर्वर के अंदर में ढेर सारे कंप्यूटर जुड़े होते हैं। जैसे आपके मान लीजिए किसी ऑफिस में 10 कंप्यूटर लगे हैं, तो 10 के 10 जो कंप्यूटर, उनको क्लाइंट कंप्यूटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उनको क्लाइंट कहा जाता है, क्लाइंट कंप्यूटर। और ये 10 आकर किससे जुड़े होते हैं, सर्वर से जुड़े होते हैं। तो ये सर्वर क्या हो गया, ये सर्वर मेन कंप्यूटर हो गया, जिसको सर्वर कंप्यूटर का भी नाम दिया जाता है। चलो एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं दोस्तों। मान लो आप फेसबुक यूज करते होंगे, फेसबुक में आपने आज से 4-5 साल पहले कोई फोटो अपलोड किया, तो आज भी वो फोटो आपको नजर आता है। क्या आपने कभी सोचने का प्रयास किया कि एक्चुअली में ये फोटो 4 साल तक कहीं ना कहीं स्टोर तो है, हमारे कंप्यूटर में तो स्टोर नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये डेटा स्टोर है। तो याद रखिए, ये जो फेसबुक है ना, इसका भी कहीं ना कहीं एक सर्वर कंप्यूटर होगा। उसी सर्वर कंप्यूटर से जुड़कर पूरे दुनिया भर के लोग जुड़ करके ये जो फेसबुक इस्तेमाल कर रहे हैं, ये डेटा ट्रांसमिशन चल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं रखा होगा जो मेन सर्वर कंप्यूटर होगा, ठीक है। इसी तरह से हर एक कंपनियों का अपना एक सर्वर कंप्यूटर होता है। तो याद रखेगा, ये हो गया सर्वर, इसको याद रखेगा, ये क्लाइंट की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, मतलब सर्वर से जुड़े जितने कंप्यूटर होते हैं उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति करता है या पूर्ति करने का प्रयास करता है, सर्वर कंप्यूटर कहलाता है। तो अगली बात आ गई क्लाइंट कंप्यूटर की, इसको भी देख लेते हैं। करंट नेटवर्क का वह कंप्यूटर जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी सर्वर कंप्यूटर से रिक्वेस्ट करता हो, क्या करता हो, रिक्वेस्ट करता हो, उसे क्या कहा जाता है, क्लाइंट कंप्यूटर कहा जाता है। जब कभी ऑफिस में आप जाएंगे ना, तभी आपको सर्वर और क्लाइंट कंप्यूटर के बारे में पता चल पाएगा, क्योंकि आपके घर में एक ही पीसी है, इसलिए वहां पर सर्वर और क्लाइंट का मतलब आपको समझ में नहीं आता। समझ रहे मेरी बात को ना, तो याद रखिएगा, ये हो गया क्लाइंट कंप्यूटर, ठीक है। आगे देखिए, एक शब्द है डेटा कास्टिंग, बड़े टिपिकल शब्द है कंप्यूटर में, बहुत टिपिकल शब्द है डेटा कास्टिंग। नाम ऐसा है ना कि लोगों को पता नहीं होता इसके बारे में, लेकिन बहुत छोटा सा, मैं इसको इतने आसान लैंग्वेज में लेकर आया
आया हूं कि आपको इत्मीनान से और आसानी से चीजें याद हो जाए। करा डेटा कास्टिंग, नेटवर्क में जब किसी एक कंप्यूटर से डेटा नेटवर्क के किसी दूसरे कंप्यूटर में भेजा जाता है, मान लो एक कंप्यूटर है आपके ऑफिस में और वहां से कोई डेटा किसी दूसरे कंप्यूटर यानी किसी दूसरे डिपार्टमेंट में भेजा गया, ठीक है, तो उस भेजे गए तरीके को डेटा कास्टिंग कहा जाता है। किस तरीके से आपने भेजा उसको डेटा कास्टिंग कहा जाता है, और ये कई प्रकार का होता है डेटा कास्टिंग। करंट नेटवर्क में यह कास्टिंग कुल तीन तरह का होता है, कुल तीन तरह का होता है। चलो छोड़ो, मैं आपको अपने तरीके से बताता हूं। दोस्तों आप मान लो आपने देखा होगा कि आजकल बहुत सारे एजुकेटर ऐसे हैं जो क्लास बेचते हैं, जो क्लास को सेल करते हैं, ठीक है, हालांकि वो अपने जगह भी सही है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो क्लास को सेल करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी क्लास को कोई भी व्यक्ति देख सकता है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी क्लास को कुछ लिमिटेड लोग ही देख सकते हैं, जिनके पास भाई आईडी पासवर्ड होगा वो देख सकते हैं, बाकी कोई देख नहीं सकता है। तो ये डेटा कास्टिंग का तरीका है, डेटा को भेजा जा रहा है। सोचो मेरे सामने तीन बंदे हैं, एक बंदे को मैं नहीं दूंगा, दूसरे बंदे को दूंगा, तीसरे बंदे को किसी दूसरे तरीके से दूंगा या लिमिटेड टाइम के लिए दूंगा, तो अलग अलग कंडीशन लगाया जा सकता है। तो ये डेटा कास्टिंग होता है, एक एक करके बताता हूं। इसमें यूनिकास्ट होता है, ब्रॉडकास्ट होता है, मल्टीकास्ट होता है, तो एक एक बारे में हम डिटेल से पढ़ने चलते हैं। सबसे पहला दोस्तों यूनिकास्ट। यूनिकास्ट क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। यूनिकास्ट, यूनि मतलब ही होता है एक, यूनि मतलब क्या होता है एक। चलो छोड़ो, पीछे का मत पढ़ो। सपोज करो आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, इन सब चीजों का इस्तेमाल करते होंगे ना। अगर नहीं भी करते होंगे तो कभी ना कभी आपने किसी को चेक दिया होगा, नहीं दिए होंगे तो आपने मान लीजिए कभी ना कभी किसी के खाते में पैसे आपने डाले होंगे, ये तो किया ही होगा ना। तो एक बात बताओ दोस्तों, जब आप बैंक में जाते हो, पर्ची भरकर जब बैंक वाले को देते हो, कैसे वो पैसा उसी व्यक्ति के खाते में जाता है, कैसे? भाई खाता तो बहुत सारे लोगों का है ना, तो कैसे उसी पर्टिकुलर व्यक्ति के खाते में जाता है? क्यों? क्योंकि आपने जो अकाउंट नंबर डाला है वो किसी एक व्यक्ति का डाला है, और अकाउंट नंबर अपने आप में यूनिक होता है। क्या होता है? यूनिक। वो कभी किसी से मैच नहीं कर सकता। जिस तरह से मोबाइल नंबर यूनिक होता है, उसी तरह से बैंक का जो अकाउंट नंबर है वो भी यूनिक होता है, आधार कार्ड का जो नंबर है वो भी यूनिक होता है, समझ रहे हैं ना। वो एक साथ दो तीन लोगों का नहीं हो सकता, एक बार में एक ही व्यक्ति का हो सकता है। तो यहां पर यूनिक कास्ट जो सिस्टम है वो इसी के तहत काम करता है। करा जब किसी नेटवर्क के कंप्यूटर से किसी दूसरे कंप्यूटर को डेटा भेजा जाए तो उस नेटवर्क में किसी एक ही कंप्यूटर के द्वारा प्राप्त किया जाता है, जो इस प्रकार की डेटा कास्टिंग को यूनिकास्ट कहा जाता है। आप समझ रहे हैं? अब आप ऐसे समझो ना, आपको तो लगता है बड़ा आसान काम है, क्या करना है, डेटा उसमें अकाउंट नंबर फिल कर देना, एंटर मार देना, पैसा चला गया। तो एक बात बताओ, पैसा कैसे चला गया? पैसा तो डिजिटल फॉर्मेट में है ना, आपने वहां पे कैश दिया, सामने वाले के खाते में डिजिटली पैसा आ जाता है, आपके मोबाइल में मैसेज आएगा, अच्छा 10,000 रुपए आ गए, ठीक है। तो ये 10,000 रुपए डिजिटली आता है, आपके हाथ पैर में थोड़े आता है, ये पैसा डिजिटली आता है। तो कैसे ये आपके तक पहुंच पाया? भाई रास्ते में बहुत सारे लोगों का मोबाइल नंबर था, कहीं दूसरे में नहीं चला गया, सीधा आपके पास आया, वहां से सेंड किया गया, सीधा आपके पास आया। दोस्तों ये सिस्टम होता है, ये यूनिकास्ट सिस्टम के तहत जो है इस चीज को सेंड किया जाता है, ताकि वो चीज जिस व्यक्ति को भेजा गया वो उसी के पास जाएगा, दूसरे किसी के पास नहीं जाएगा। ऐसा नहीं होता ना, आपके किसी के नंबर पे फोन लगाया और नंबर नहीं लगा तो किसी दूसरे के नंबर पे फोन चला गया, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है ना। तो ये यूनिकास्ट सिस्टम है, ये पूरी दुनिया में यूनिकास्ट सिस्टम मजबूती से काम कर रहा है। और इसी के तहत जो है आप जब किसी को मेल करते हो तो पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का मेल आईडी डालते हो, भाई मेल आईडी भी अपने आप में क्या होती है, यूनिक होती है। जब कभी आप मेल बनाते हैं तो अगर वो किसी से मैच करता है तो आपको बनाने की अनुमति नहीं देता है। मेल आईडी हमेशा यूनिक होना चाहिए, मेल मतलब ईमेल आईडी, वो हमेशा यूनिक होना चाहिए, या किसी का मोबाइल नंबर। तो जब किसी को आप कॉल करेंगे, जब किसी पे आप मैसेज करेंगे, जब किसी का आप व्हाट्सअप करेंगे, तो वो पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति के तक ही जाएगा, वो दूसरे तक आपको लेके नहीं जाएगा। तो याद रखिए, जैसे बैंक द्वारा भेजा गया अकाउंट में पैसा, ये यूनिक कास्ट सिस्टम पे काम करता है। जैसे मान लीजिए यहां से पैसा है और पर्पल वाले को टारगेट किया, तो जिसके पास टारगेट है उसी के पास जाएगा, किसी दूसरे के पास नहीं जाएगा। दूसरा दोस्तों मल्टी कास्टिंग। मल्टी का मतलब ही होता है ढेर सारे। मल्टी का मतलब क्या है? ढेर सारे, यानी एक दो या दो से अधिक, ठीक है। तो मल्टीकास्टिंग हो गया। करा इस प्रकार के नेटवर्क में जब किसी कंप्यूटर द्वारा डेटा को भेजा जाता है तो वह नेटवर्क में मौजूद कुछ कंप्यूटरों को प्राप्त होता है, लेकिन सभी को प्राप्त नहीं होता है। इसी को डेटा कास्ट, इसी को मल्टीकास्टिंग कहा जाता है, मल्टी डेटा कास्टिंग कहा जाता है, ठीक है। मल्टी मतलब सपोज करिए
स्टडी 91 ने क्या किया भाई, ऐसे तो यूट्यूब पे आपको क्लास दिया जाता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे डिमांड करते रहते हैं हमसे कि सर क्या करिए, बिहार एसआई का कोर्स बना दीजिए। तो अभी हमारे पास समय नहीं, क्यों मैं आपको डिटेल में पढ़ाने में लगाऊं, कैसे अपना समय निकालकर बिहार एसआई के लिए आपको बता सकता हूं। तो मुझे लगा यार कि मैं एक अच्छी टीम बनाकर आपका सहयोग कर सकता हूं। लेकिन मैं जैसे कि आपको, आप जानते हैं कि मैं शुरू से फ्री ऑफ कॉस्ट आपको शिक्षा दे रहा हूं और पढ़ाते चल रहा हूं, मेरे मन में कोई लालच नहीं, इस वजह से मैंने आज तक कभी पैसे के ऊपर विचार नहीं किया कि नहीं यार किसी से चार्ज लिया जाए। लेकिन मान लीजिए हमारे साथ अगर टीम आती, दो चार नए टीचर आते हैं, ठीक है, वो कहीं बाहर से पढ़ाने आते, तो भाई उन्हें चार्ज देना पड़ेगा। तो मुझे लगा यार कि चलो एक काम करते हैं, 1500 रुपए का एक पैकेज बना लेते हैं, ठीक है, 1500 रुपए का पैकेज बनाते हैं और बच्चों को दे देते हैं, भाई जिनके लिए स्पेशल रिक्वायरमेंट है वो वहां जाके पढ़े, बाकी जिनको हमसे पढ़ना वो हमसे यूट्यूब पर पढ़ते रहे, एज इट इज पढ़ते रहे, जैसे मैं पढ़ाता हूं ऐसे मैं उनको पढ़ाते चलूंगा, ठीक है। यहां पर क्लास जारी रहेगी डिटेल में, जैसे हम लोग एकदम डीपली पढ़ते जाते हैं वैसे, कोई कमी नहीं, ठीक है। हाँ, जिसको ज्वाइन करना है किसी पर्टिकुलर कोर्स को वो जाके ज्वाइन कर लेता है। तो अगर मान लीजिए मैंने बना दिया 999 रुपए का कोर्स बना दिया, तो आप में से बहुत सारे बच्चों ने परचेज कर लिया कोर्स। तो जिन बच्चों ने परचेज किया, ये डेटा सिर्फ उन्हीं तक जाएगा, बाकी दूसरे तक तो जाएगा नहीं, क्या समझ रहे हैं? जिन्होंने परचेज किया ये डेटा कहां तक जाएगा? सिर्फ उन्हीं तक जाएगा। तो ये हो गया मल्टीकास्टिंग का उदाहरण। क्या हो गया? मल्टीकास्टिंग मतलब बहुत सारे लोग जुड़े हैं लेकिन सबके पास नहीं और किसी एक के पास भी नहीं। ये डेटा जो ट्रांसमिट होगा, जो नई मान लीजिए क्लास बनती है, जो नए नए टीचर आके पढ़ाते हैं, उनके जो वीडियो लेक्चर हैं, वो एक कोर्स के माध्यम से जो बच्चे फी पेड किए हैं उनके तक ही जाएगा, उससे आगे वो डेटा ट्रांसमिट नहीं हो पाएगा। तो ये चीजें होती, ये किसका उदाहरण हो गया दोस्तों? ये मल्टीकास्टिंग का उदाहरण हो गया। अब देखिए यहां पर मल्टी, जैसे यहां पर पर्पल पर्पल पर्पल, अब मान लीजिए पर्पल वालों ने फी जमा किया है, ठीक है, तो यहां पर डेटा जहां जहां भी पर्पल होंगे वहां तक ये डेटा ट्रांसमिट हो जाएगा, यही मल्टीकास्टिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? यानी नेटवर्क का जो काम है ना, ये कैसे काम कर रहा है ये मैं आपको बता रहा हूं, बहुत डिटेल से मैं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। और आप जानते हैं मेरी आदत, जब भी मैं कोई विषय पढ़ाता हूं तो बहुत डिटेल से पढ़ाता हूं, ठीक है, चाहे वो कोई भी विषय हो, बात कंप्यूटर की नहीं, मैं कोई जो पर्टिकुलर कंप्यूटर का टीचर नहीं हूं, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला है ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट क्या होता है? जैसे दूरदर्शन चैनल है, जिन्होंने ही जिनके पास भी टीवी है, सबके टीवी पे दूरदर्शन चैनल आता है, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं, कोई आपको पैसा जमा करने की जरूरत नहीं, भाई जी टीवी है, जब पैसा जमा करोगे तभी आएगा ना, ऐसा नहीं। तो दूरदर्शन है सभी पर आएगा, जितने भी चैनल हैं, चाहे आप किसी का भी डीटीएस लगवा लो, ठीक है, सभी के टीवी पर जो है दूरदर्शन दिखाई देगा। कैसे? क्योंकि उसका ब्रॉडकास्ट होता है। क्या होता है? ब्रॉडकास्ट। जैसे मान लीजिए हम यूट्यूब पे जब भी कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो ये ब्रॉडकास्ट होता है। क्या होता है? ब्रॉडकास्ट। ये सभी के पास चला जाता है, इसको कोई भी बंदा देख सकता है, सभी के पास, मतलब जहां, मतलब यहां पर देखिए, यहां पर तो पर्टिकुलर यूनिकास्ट में क्या आता है, सिर्फ एक को। मल्टीकास्ट में जिसको हमने सेलेक्ट किया है, जो हमारे नाम्स को पूरा कर, नाम्स मतलब रूल, जो हमारे रूल को पूरा कर रहा है केवल उसके तक, और ब्रॉडकास्ट में सभी को, सभी, ठीक है। तो ये हो जाता है ब्रॉडकास्ट। समझ में आ गया ना? तो अब इसके बारे में बहुत ज्यादा पढ़ाने के पीछे जाके जरूरत नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक पॉइंट है दोस्तों, ट्रांसमिशन मोड क्या होता है? ट्रांसमिशन मोड ये क्या होता है, चलिए इसके बारे में मैं बता देता हूं आपको। कह रहा है कि नेटवर्क में डेटा को भेजने तथा दूसरे नोड द्वारा प्राप्त करने के तरीके को ट्रांसमिशन नोड कहा जाता है। अब आप कहोगे सर अभी अभी तो आपने पढ़ाया ट्रांसमिशन के तरीके को, जिसमें हमने तीन तरह के तरीके देखे, यूनिकास्ट देखा, मल्टीकास्ट देखा, ब्रॉडकास्ट देखा, ये तो तरीका था ना। मैं आपसे पूछ रहा हूं ये किस माध्यम से जाएगा, उसके उसके बारे में देखिए। तो कह रहा है इसमें दो तरह के माध्यम होते हैं, मेन होते हैं, एक होता है सिंप्लेक्स, एक होता है डुप्लेक्स, एक होता है हाफ डुप्लेक्स, तीन होते हैं, ठीक है। अब सिंप्लेक्स क्या होता है सुनिएगा, कह रहा सिंप्लेक्स, कह रहा इस प्रकार के नेटवर्क में पहले नोड से भेजा गया डेटा दूसरे नोड पर प्राप्त होता है, लेकिन दूसरे नोड से कोई भी डेटा वापस पहले वाले नोड पर नहीं आ सकता है। एग्जांपल सुनिए, पीछे का मत देखिए, मान लीजिए आप कार में बैठे हैं और आपने अपने कार में रेडियो चला दिया, ठीक है। अब रेडियो में जो है, रेडियो स्टार्ट किया, मान लीजिए एफएम बजा दिया, अब एफएम में जो है आपने कोई एक पर्टिकुलर चैनल लगा दिया, ठीक है, 91.8 लगा दिया, सपोज करो आप, तो एक चैनल लगा दिया, उधर से गाने वाने बज रहे हैं आपको, तो क्या आप जो बोलोगे वो क्या उस रेडियो तक जाएगा? नहीं, ऐसा तो होता नहीं है ना। तो बस यही तो है, यही सिंप्लेक्स का उदाहरण है। कोई भी डेटा सामने से यहां तक आएगा, मतलब पहले वाले नोट से दूसरे वाले नोट तक आ रहा है, लेकिन इधर से डेटा उधर नहीं जाएगा। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं कि नहीं? जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो कैमरे के थ्रू पढ़ा रहा हूं, तो ये डेटा आप तक गया,
लेकिन अब आप वहां बैठ के पढ़ रहे हो तो आपका डेटा हमारे तक नहीं आ रहा है। आप कुछ भी बोलोगे हमें सुनाई देगा क्या? क्या आपका वीडियो हमें दिखाई देगा क्या? आप में से मान लो 1 लाख बच्चे हमें देख रहे हैं, क्या सबका डेटा हमें दिखाई देगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कमेंट एक अलग चीज है, कमेंट एक अलग चीज है। तो याद रखिए, जैसे टीवी आप देख रहे हो, अब जी टीवी आपने लगा दिया, कोई मूवी लगा दिया, जी सिनेमा लगा दिया, कोई मूवी आ रहा है, तो वो ब्रॉडकास्ट सिंगल ब्रॉडकास्ट होता है, केबल में एक तरफ से ही डेटा आता है, दूसरी तरफ से डेटा जाता नहीं है। इसी को सिंप्लेक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिंप्लेक्स। दूसरा है दोस्तों हाफ डुप्लेक्स। हाफ मतलब आधा डेटा आएगा और आधा डेटा जाएगा, लेकिन एक बार में एक तरफ ही। हाफ मतलब क्या है? एक बार में एक तरफ ही। सपोज करिए, इसका एग्जांपल सुनिए, वॉकी टॉकी एक अच्छा एग्जांपल है। जब कभी आप देखते हैं सेना वगैरह में, मिलिट्री वगैरह वाले लोग जो अक्सर इस तरह के वॉकी टॉकी का इस्तेमाल करते हैं, फोन का इस्तेमाल वो लोग नहीं करते हैं क्योंकि फोन के हैक होने की संभावना रहती है। वॉकी टॉकी जो नेटवर्क होता है ये हैक नहीं होते, ठीक है, इनके अपने रूल्स रेगुलेशन होते हैं, तो इनके लिए जहां पर ये होते हैं वहां पर जा लीजिए नेटवर्क वैसे काम नहीं करते। मान लीजिए कोई जो समुद्र में गया है, ठीक है, तो अब वहां कौन सी कंपनी का नेटवर्क लगा होगा, या कोई दुर्गम पहाड़ी पर कोई सियाचिन ग्लेशियर के पास, वहां कौन से कंपनी का नेटवर्क चलेगा? तो नेटवर्क की पॉसिबिलिटी वहां रहती नहीं, तो वॉकी टाकी से ही सारा काम होता है। तो वॉकी टाकी में आप देखते होंगे बोला जाता है, हेलो हेलो नितिन, हेलो हेलो, ओवर। ओवर मतलब क्या होता है? कि मैं बोल चुका, अब आप सामने से बोलो। तो जब पहला वाला ओवर करता है ना, तो दूसरा वाला बोलता है, जी हाँ बताएं, मैं सुन रहा हूं आपकी बात। ओवर, ओवर मतलब मैं बोल चुका, अब तुम बोलो। क्यों? क्योंकि यहां पर जो डेटा ट्रांसमिशन होता है ना, ये एक बार में एक तरफ से होता है, चाहे ये इधर से इधर आ जाए, चाहे इधर से इधर चला जाए। समझ रहे हैं? देख, ऐसा नहीं है कि आप जैसे फोन पे बात करते हो, हेलो हाँ जानू कहाँ हो, खाना खाई, ऐसा नहीं होता है कि उधर से भी जो है आवाज आ रही, ऐसा नहीं होता है। ऐसा वाकी टाकी में नहीं होता। वाकी टाकी में क्या होता है? डेटा एक जगह से या और जा सकता है, ठीक है, इसीलिए इसका नाम रखा गया हाफ डुप्लेक्स। हाफ रखा गया, हाफ डुप्लेक्स। इसी को अगर डुप्लेक्स कर देंगे ना, तो डुप्लेक्स में क्या होता है, जब हम फोन से बात करते हैं तो दोनों लोग की आवाज आती जाती रहती, सेम टाइम में आवाज आती जाती है, हमारी उधर जा रही, उधर से आवाज इधर आ रही, तो ये हो जाता है डुप्लेक्स का उदाहरण। किसका हो जाता है? ये डुप्लेक्स का उदाहरण हो जाता है। समझ में आ रहा ना? कुछ कठिन नहीं है मेरे भाई, कुछ कठिन नहीं है। तो याद रखिए, ये तीन तरह के जो होते हैं ट्रांसमिशन के तरीके होते हैं कि कैसे जाएंगे, कैसे जाएंगे। तो ये जान लीजिए फुल डुप्लेक्स हो गया। जैसे हमारा कंप्यूटर हो गया, आप किसी से चैटिंग करो, इधर से डेटा जा रहा है, उधर से डेटा आ रहा है कि नहीं, एक सेम टाइम पे जा रहा है, ठीक है। आप कंप्यूटर के माध्यम से किसी से चैटिंग कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं, तो ये सब कुछ एक साथ होता है ना। वीडियो कॉलिंग देख लो, व्हाट्सएप पे जब आप वीडियो कॉलिंग करते हैं या फिर आप अपने फोन से जब वीडियो कॉलिंग करते हैं, तो वहां पर डेटा का ट्रांसमिशन एक साथ होता है। ऐसा नहीं ना कि सिर्फ आपकी फोटो जा रही, उधर से कुछ नहीं आ रहा, ऐसा नहीं होता ना। तो याद रखिए, डुप्लेक्स का उदाहरण हो जाता है। चाहे आप इसको डुप्लेक्स कर लो, चाहे आप इसको फुल डुप्लेक्स कर लो, बात एक ही है, ठीक है। तो सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स, ठीक है, याद रखेगा, ये हो गया। अब चलते हैं दोस्तों नेटवर्क के प्रकार के बारे में पढ़ने। नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं? वैसे तो नेटवर्क जो है कहीं कहीं पर लिखा 3 प्रकार का, बट आपको मेनली जो मानना है वो 2 प्रकार का होता है, लैन और वैन, दो ही प्रकार के होते हैं। जहां 3 प्रकार लिखा होता है वहां पर मैन एक नया जो है नेटवर्क माना जाता है, तो मैं तीनों के बारे में आपको बता देता हूं। लैन माने होता है लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। वैन माने होता है वाइड एरिया नेटवर्क, जिसका क्षेत्र क्या है, बहुत बड़ा है, वाइड एरिया नेटवर्क, ढेर सारे लोकल एरिया नेटवर्क को मिला करके एक वाइड एरिया नेटवर्क बनता है। और मैन माने क्या होता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये बड़े बड़े जो शहर होते हैं ना, वहां पर होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो एक मैन करके भी होता है। हमें मेनली जो पढ़ना हो मैं आपको बता दे रहा हूं। लैन करा इसका पूरा नाम है, लोकल एरिया नेटवर्क, ऐसा नेटवर्क जो सीमित क्षेत्र में कार्य करता है, इसीलिए इसको लोकल एरिया नेटवर्क कहा जाता है। मान लीजिए कोई कॉलेज का कैंपस है, अब कॉलेज में मान लीजिए कोई एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के अंदर डेटा का ट्रांसमिशन होना एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर, या एक कमरे से दूसरे कमरे पर, या फिर एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग में, तो ये उसी कैंपस की बात है ना। तो इसको याद रखिए, यहां पर नेटवर्किंग के माध्यम से डेटा को जोड़ा जा सकता है, नेटवर्किंग के माध्यम से डेटा को जोड़ा जा सकता है। तो अगर किसी बिल्डिंग का नेटवर्क हो गया, किसी क्लास का नेटवर्क हो गया, किसी ऑफिस का नेटवर्क हो गया, तो इसको लोकल एरिया नेटवर्क के माध्यम से कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है। कैसे कनेक्ट करेंगे वो भी आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, ये बहुत लंबी चौड़ी क्लास है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं वैन के बारे में। वैन को कहा जाता है वाइड एरिया नेटवर्क, ढेर सारे लोकल एरिया नेटवर्क को मिला करके एक वाइड एरिया नेटवर्क बनता है। यहां पर देख रहे हैं, ये आपका लैन हो गया, लैन में कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं, यहां पर भी लैन है, लैन है, लैन है, और सभी को जोड़ दिया, तो ये क्या हो गया? वैन हो गया, वाइड, वाइड बड़ा, ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क हो गया, ठीक है। आगे देखिए टोपोलॉजी। टोपोलॉजी क्या होता है? ये कंप्यूटर को जोड़ने की व्यवस्था को टोपोलॉजी कहा जाता है। कंप्यूटर को जोड़ा कैसे जाए? जैसे आपसे मैंने आपसे कह दिया कि भाई कंप्यूटर जोड़ देंगे, जैसे लैन कहा जाएगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि आपका एक ऑफिस है, दो ऑफिस है, एक ऑफिस
यहां पर एक बगल वाले कमरे, इस वाले ऑफिस में भी 5 कंप्यूटर रखे हैं, बगल वाले ऑफिस में भी 5 कंप्यूटर रखे हैं, 10 कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करना है। मैंने बोल दिया आपस में कनेक्ट कर दोगे लाइन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लाइन कहलाएगा। अब आप कहोगे सर जोड़ेंगे कैसे, कौन सा तार लगाएं, कैसे लगाएं, कैसे जोड़ा जाए, सब कुछ हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। पता है क्लास के पढ़ने के दौरान ही आपको पता चल जाएगा कौन सा केबल होता है, कहां कहां पर उसे जोड़ा जाता है, सब कुछ आप सीख जाओगे, बस खाली देखते चलो। यहां कह रहा टोपोलॉजी, नेटवर्क में कंप्यूटर को आपस में जोड़ने का तरीका जो होता है वही टोपोलॉजी कहलाता है, और कुल 6 तरीके हमारे सामने हैं। नीचे यहां से देखें, मेश टोपोलॉजी, स्टार है, ट्री है, रिंग है, बस है, हाइब्रिड है, पता नहीं क्या क्या है। ठीक है सर, नहीं समझ में आ रहा, आगे बढ़ते हैं ना, एक एक करके सब समझा आपको। चलिए पहला है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी सुनिएगा ध्यान से, पीछे क्या लिखा है इसको छोड़िए, पहले हम इमेज पे बात करेंगे, बाद में इसको पढ़ेंगे ना और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए इसमें क्या होता है बस टोपोलॉजी में, मान लीजिए इस कमरे में 5 कंप्यूटर थे, मैंने एक वायर लिया ऐसे लंबा सा एक वायर लिया और उसी से सारे कंप्यूटर को जोड़ दिया। एक लंबा सा वायर लिया और उसी से मैं एक कंप्यूटर यहाँ पे बस एक बीच से एक वायर ले गया, ऐसे एक कंप्यूटर वहाँ है यहीं से एक वायर निकाला, लो भैया एक तुम्हारा काम हो गया, एक वहाँ पे दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा छठवां जोड़ लिया आराम से। बस यही क्या कहलाता है, ये बस टोपोलॉजी कहलाता है। बस तो याद रखिए सीधा है, इसमें ये सीधा होता है, ठीक है, ये बस टोपोलॉजी। अक्सर करके आप देखते होंगे दोस्तों घर में जो ये बिजली वाले वायर लगे होते हैं बस टोपोलॉजी में लगे होते हैं, यहाँ पर स्विच है ऑन किया, यहाँ से देखिए फैन लगा हुआ है, उसके बगल से निकल गया, वहां पर बल्ब लगा हुआ है, वहां पर ट्यूबलाइट लगा हुआ है, वहां पर साउंड कनेक्शन है, वहां पर टीवी कनेक्शन है, तो ऐसा करके दिखता है। तो याद रखिए बस टोपोलॉजी का उदाहरण यहां पर बनता है, ठीक है। अब देखिए बस टोपोलॉजी बारे में बता क्या रहा है, कह रहा है इस टोपोलॉजी में सभी कंप्यूटर वायर से जोड़े जाते हैं। अच्छा मैं बीच से जो सेंटर से वायर ले गया, बगल वाला कंप्यूटर को अगर जोड़ना है तो यहां से एक वायर इसमें मेन में कनेक्ट करना होगा, एक कंप्यूटर को वहां के जोड़ना है तो उसको भी इसमें कनेक्ट करना होगा, तो ये सभी कंप्यूटर आपस में मेन वायर से, मेन लाइन से जुड़े होते हैं। तो वही बता रहा है इस टोपोलॉजी में सभी कंप्यूटर एक वायर से जोड़े जाते हैं तथा कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए इस वायर में एक टी कनेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। जाहिर सी बात है यहां पर ऐसा नहीं कि आपने निकाला और टेप मार दिया, नहीं, यहां पर एक टी कनेक्टर आता है, उस टी कनेक्टर के माध्यम से इसको जोड़ा जाता है। टी, अरे घर में देखते होंगे पाइप वगैरह होता है, पानी वाली पाइप होती है, वहां पर टी बना होता है, ऐसा होता है ना, तो पाइप वाली पानी पे टी वाला कनेक्टर होता है, भाई इधर से इधर भी चला जाए आगे भी बढ़ जाते हैं, यहाँ पे टी कनेक्टर लगा होता है, ठीक है। तो याद रखें उसी तरह से टी कनेक्टर के माध्यम से इसको जोड़ा जाता है। इस वायर में डेटा सिग्नल बहाव को रोकने के लिए लास्ट में एक टर्मिनेटर डिवाइस भी लगा होता है। अच्छा ये डेटा कहां तक जाएगा, पता चला भाई अगर आपको 10 कंप्यूटर जोड़ना है वहां तक लेके गए, उसके बाद लास्ट में आपको टर्मिनेटर लगाना पड़ता है, वो टर्मिनेटर ही डेटा के ट्रांसमिशन को रोकता है, वहां तक डेटा गया, आगे कंप्यूटर फिर डेटा वापस आ जाएगा, समझ रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं स्टॉप लगाना पड़ेगा ना। तो याद रखे डेटा को रोकने के लिए, उसके बहाव को रोकने के लिए एक टर्मिनेटर डिवाइस आती है, उसे लगाया जाता है, ठीक है। तो ये एक टोपोलॉजी हो गया, एक तरीका हो गया कि इस तरीके से भी हम 200 कंप्यूटर को आपस में जोड़ सकते हैं, समझ में आ रहा है। एक मेल लाइन बिछा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जोड़ दिया, लास्ट में टर्मिनेटर लगा दिया, काम खत्म। ये हो गया आपका बस टोपोलॉजी। आगे बढ़ते हैं, अगला है स्टार टोपोलॉजी। स्टार क्या है, दिखने में स्टार जैसा होता है। अब देखिए यहां होता क्या, कह रहा है इस प्रकार के टोपोलॉजी में सारे कंप्यूटर किसी एक सेंट्रलाइज्ड डिवाइस से कनेक्ट होते हैं, मेन जो कंप्यूटर है वो बीच में है और उसी कंप्यूटर से एक एक वायर सब कंप्यूटर के पास गया है। भाई नेटवर्किंग का मतलब क्या है, नेटवर्किंग का मतलब है कि डेटा का एक कंप्यूटर में से दूसरे कंप्यूटर में जाना, और जब जुड़ा होगा तभी जाएगा, तो जो मेन कंप्यूटर है उसी से सबको जोड़ दिया जाता है। भाई बीच में एक कंप्यूटर लगा दिया और उसी से 10 वायर बाहर निकाल दिए, ठीक है, 10 वायर बाहर निकाल दिए और ये 10 वायर को ला करके अलग अलग कंप्यूटर से जोड़ दिया, समझ में आ रहा है। तो एक सेंट्रलाइज कंप्यूटर होता है, वो मेन होता है और उससे जाकर के सारे कंप्यूटर जुड़े होते हैं, इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया, स्टार टोपोलॉजी। क्या दिया गया इसका नाम, स्टार टोपोलॉजी का नाम दिया गया। इस सेंट्रलाइज्ड डिवाइस को मल्टीपल पोर्ट भी कहा जाता है, कभी कभी यहां बीच में कंप्यूटर ना होकर के मल्टीपल पोर्ट लगे होते हैं, उस पोर्ट के माध्यम से भी जोड़ सकते हैं। अब देखिए कोई डेटा अगर इस वाले कंप्यूटर से इस वाले कंप्यूटर में जाना है तो पहले डेटा इसमें आएगा, इस स्विच या हब में आएगा, इसका नाम होता है स्विच या हब, यहां पर आएगा और यहां से डेटा इसमें जाएगा। अगर इसको कोई डेटा यहां पर भेजना है तो यहां से डेटा इसमें आएगा और फिर इसके थ्रू आगे बढ़ेगा, समझ में आ रहा है। तो यह तरीका होता है, समझ में आ रहा है ना, कुछ कठिन नहीं, बड़ा आसान है, बस चीजों को समझेंगे तो अपने आपको आसान लगेगा। ये स्टार टोपोलॉजी, एक होता है मेश टोपोलॉजी।
ये गजब की टोपोलॉजी है। इसमें क्या होता है कि सभी कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं। जैसे यहां पर मान लीजिए कुल कितने के 6 कंप्यूटर हैं, तो 6 कंप्यूटर आपस में जुड़े। देखिए यहां से एक वायर इसमें भी गया है, इसमें भी गया है, इस वाले में भी गया है, इसमें भी गया है, इसमें भी गया है, सब आपस में जुड़े हैं। 6 के 6 आपस में जुड़े हैं, समझ में आ रहा है। यानी हर कंप्यूटर से मान लीजिए 6 कंप्यूटर रखे हो तो हर कंप्यूटर से 6-6 वायर निकलेगा। 10 कंप्यूटर रखे हो ना तो हर कंप्यूटर से 10-10 वायर निकलेगा, ठीक है, और सब आपस में जाके जुड़े होंगे। इसी को कहा जाता है मेश टोपोलॉजी। बड़ा खर्चीला होता है, इतना तार, इतना वायर, इतना वायर, अरे कहाँ रखेंगे वायर मेरे भाई। इसीलिए कहा जाता है बहुत टिपिकल होता है, इसको लोग ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है, मेश टोपोलॉजी। करा इस प्रकार के टोपोलॉजी में सारे कंप्यूटर एक दूसरे से डायरेक्ट जुड़े होते हैं। इस टोपोलॉजी से जुड़ा कोई भी कंप्यूटर नेटवर्क में एक दूसरे पर आधारित नहीं होता है, तथा सभी कंप्यूटर के पास अपना मालिकाना हक होता है, अपना पावर होता है। जाहिर सी बात है पावर तो होगा ही होगा ना। पावर मतलब अरे जिसको चाहा उसको भेज दिया, इसको चाहा इसको डेटा भेज दिया, इसको चाहा इसको डेटा भेज दिया, इसको चाहा इसको भेज दिया, जिसको भी चाहा वहां तक डेटा आपने ट्रांसमिट कर लिया। दोस्तों मैं मार्कर का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, आप देख रहे होंगे। 2-3 रीजन है, एक तो थोड़ी सेहत हमारी खराब है, आपको एनर्जी से लग रहा होगा, वरना और ज्यादा एनर्जेटिक होकर मैं पढ़ाता हूं, आवाज से भी लग रहा होगा, या कुछ लोग कहेंगे अच्छा है कि आप चिल्ला नहीं रहे हैं सर, ठीक है, हालांकि आदत हो गया है और यहाँ से लेने में थोड़ा समय भी लगता है, ठीक है, तो इस वजह से मैं इसको अवॉइड कर रहा हूँ। आज 1-2 दिन बाद सही हो जाएगा तो फिर से अपना काम करेंगे। आगे बढ़ते हैं ट्री टोपोलॉजी। ट्री में क्या होता है, ट्री माने होता है पेड़। जिस तरह से पेड़ों की शाखाएं होती हैं, एक से दूसरा निकल गया, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, उससे, ठीक है, ये शाखाएं होती है ना, उसी तरह से यहां पर भी टोपोलॉजी होता है, ट्री टोपोलॉजी। यानी यहां पर जैसे पेड़ की शाखाएं निकलती हैं वैसा होता है। देखिए यहां पर आप देख पा रहे होंगे एक कंप्यूटर है, इससे आकर के 2 कंप्यूटर जुड़ा, इससे 4 जुड़ गया, इससे 4 जुड़ गया, इससे 3 जुड़ गया, मतलब जहां आवश्यकता अनुसार आगे आगे जोड़ते हम चले गए, ये होता है ट्री टोपोलॉजी। इसको क्या कहा जाता है, ट्री टोपोलॉजी। करा इस प्रकार के टोपोलॉजी में एक से अधिक सेंट्रलाइज्ड डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है। इस टोपोलॉजी का प्रयोग कम खर्च में अधिक कंप्यूटरों को एक नेटवर्क से जोड़ा जा सकता है, क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में होता है, तो सबसे बेस्ट इसी को माना जाता है। रिंग टोपोलॉजी, रिंग ये सबसे बेकार टोपोलॉजी है। क्यों, अगर कोई भी एक गड़बड़ हो गया ना बड़ा दिक्कत करता है, ठीक है, रिंग टोपोलॉजी क्यों। मान लीजिए आपने बचपन में लोग खेल खेलते थे, सब लोग गोला बना लेते थे, 5 लोग होते थे ऐसे, एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक गोला बना लेते थे, ठीक है। अब मान लीजिए एक की तबीयत खराब हो गई, तो बगल वाले को कोई डेटा अगर इसके तक भेजना, मेरी तबीयत खराब है तो इधर वाले का डेटा इधर तो कभी आ ही नहीं सकता, क्यों, मैं तो खराब चल रहा हूं ना, समझ में आ रहा है। या मान लीजिए यहां से दूसरे नंबर वाले को डेटा यहां पर भेजना है और डेटा ऐसे ही घूम कर आना, मेरी तबीयत खराब है तो डेटा यहां तक नहीं आ पाएगा, समझ रहे हैं, तो बस ऐसा ही होता है। तो रिंग टोपोलॉजी एक रिंग के माध्यम से, मतलब रिंग अनुमा आकृति में जुड़े होते हैं, ठीक है, एक कंप्यूटर उससे जुड़ा है, उसका उसके आगे जुड़ा, उसका उससे आगे जुड़ा है, और ऐसे करके एक गोल बना हुआ सर्किल, तो इसी को रिंग, रिंग माने होता गोल, तो रिंग टोपोलॉजी। करा इस प्रकार के टोपोलॉजी में नेटवर्क का पहला कंप्यूटर दूसरे से जुड़ा होता है, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, चौथा पांचवें से, ये इसी क्रम में जुड़े होते हैं, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, रिंग टोपोलॉजी का नाम दिया जाता है। और ये बड़ा खराब होता है, क्योंकि बीच में अगर कोई भी सिस्टम आपका गड़बड़ हो गया तो ये टोपोलॉजी पूरी तरह से फेल हो जाती है, तो इसका इस्तेमाल अब नहीं किया जा रहा है। देखिए यहाँ पर इमेज, यहाँ पर मैंने दिया हूँ, ये रिंग टोपोलॉजी का इमेज है। एक दोस्तों नया नया आया हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड मतलब आप जहाँ जैसा चाहो बना लें, जहाँ आपको जरूरत है मेस टोपोलॉजी का वहाँ मेस बना लिया, जहाँ रिंग का जरूरत है रिंग बना लिया, जहाँ स्टार का जरूरत है स्टार बना लिया, जहाँ मेस का जरूरत है मेस बना लिया, जहाँ आपको बस टोपोलॉजी की जरूरत है वहाँ पर बस बना लिया। देखिए सब आपस में जुड़े हैं, ये बस टोपोलॉजी, ये जुड़ा है हब वाले से, ठीक है, स्टार से जुड़ा है, और स्टार जुड़ा है रिंग टोपोलॉजी से, रिंग जुड़ा होगा मेस टोपोलॉजी से, तो ये हाइब्रिड, हाइब्रिड मतलब सब मिला दिया, हाइब्रिड मतलब मिक्स कर दिया, तो ये हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है, ठीक है, ये टेक्नोलॉजी ने हाइब्रिड टोपोलॉजी, टोपो TOPOLOGY टोपोलॉजी याद रखेगा। आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क में विभिन्न प्रकार के डिवाइसों का भी प्रयोग किया जाता है, और कुछ महत्वपूर्ण नेटवर्किंग डिवाइसेज हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते हो। आज मैं इसके बारे में नहीं पढ़ाऊंगा, अगले लेक्चर में बताऊंगा। जैसे हब क्या होता है, हब क्या होता है, आप में से बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है, सर हब क्या होता है, हब का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, कहाँ किया जाता है, सर राउटर क्या होता है, बड़ा बार सुनते हैं सर राउटर, ये राउटर क्या होता है, सर ये WAP क्या होता है, वेब क्या होता है, सर ये मॉडेम क्या होता है। मॉडेम का इस्तेमाल तो खैर आम बात है, और एक जमाना था मॉडेम का, आया और चला गया, अब मॉडेम का इस्तेमाल थोड़ा कम ही हो रहा है। स्विच क्या होता है, इसके बारे में बताऊंगा, रिपीटर क्या होता है, केबल क्या होता है, कनेक्टर क्या होता है, भाई ये सब जानेंगे तभी तो इन टोपोलॉजी के माध्यम से कंप्यूटर को जोड़ना शुरू करेंगे। और
आगे बहुत कुछ आपको बताऊंगा भी मैं। अभी मैं सिखाऊंगा केबल कितने प्रकार का होता है, बताऊंगा ट्विस्टेड पेयर केबल क्या होता है, कोएक्सियल केबल क्या होता है, ओएफसी केबल क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर केबल, ये सब अलग अलग केबलों के नाम हैं, ठीक है। आपके घर में टेलीफोन वाला केबल आता है ना, जो पतला सा चपटा सा रहता है, वो होता है ट्विस्टेड पेयर केबल। क्या होता है? ट्विस्टेड पेयर केबल कहा जाता है। अगर आपके घर में टीवी होगी तो आप देखते होंगे टीवी में जो वायर लगा होता है गोल होता है, कभी आप उसको छीलते होंगे तो बीच में एक मोटा वायर होता है, उसके ऊपर एक जो है प्लास्टिक का रैप चढ़ा होता है, उसके ऊपर एक जालीनुमा वायर होता है, वो कोएक्सियल केबल होता है। क्या होता है? कोएक्सियल, दो अलग अलग लेयर में होते हैं वहां पर वायर, ठीक है, कोएक्सियल केबल होता है। इसी तरह से एक ओएफसी केबल होता है, जहां पर डेटा ट्रांसमिशन बहुत तेज होना होता है वहां पर ओएफसी केबल का इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्टिकल फाइबर केबल का इस्तेमाल किया जाता है। प्रकाश की गति से डेटा यहां पर ट्रांसमिट होता है, ठीक है। और शीशे के ग्लास होते हैं उसमें, याद रखें प्लास्टिक और शीशे के मिक्स जो है उसमें वायर होते हैं, तो याद रखेंगे चीज़, ठीक है। तो इसी के साथ दोस्तों वीडियो सीरीज समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। आज थोड़ा सा हट के हम लोगों ने क्लास लिया अपने सब्जेक्ट से, बहुत लोगों का डिमांड आ रहा था सर साइंस वगैरह का क्या हुआ, जल्दी ही आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। थोड़ा सा सेहत इस समय सही नहीं है, इस वजह से मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। अगर आपका नुकसान हो रहा हो तो बहुत बहुत क्षमा चाहता हूँ। बहुत जल्दी रिफ्रेश होकर फिर मैं अच्छे से क्लास लेता हूँ, ठीक है। आप सभी का धन्यवाद, और इसी तरह से आप अपना प्यार दुलार बनाए रखिए। वीडियोज बहुत सारे हैं, आप जाके रिवीजन कर सकते हैं, चीज़ें देख सकते हैं। सुबह के 5 बजे करंट अफेयर की वीडियो दी जा रही है, शाम को 5 बजे स्पेशल करंट अफेयर की सीरीज चल रही है, और रात को 9 बजे ये डिटेल वाली क्लास आपको दी जा रही है। दोस्तों रिवीजन मास्टर सीरीज भी मैं आपके लिए लाने वाला हूँ, वो ज्योग्राफी की मास्टर सीरीज मैं तैयार कर रहा हूँ, वो मैं जल्दी से जल्दी लेकर आऊँगा, ताकि रिवीजन सीरीज के माध्यम से अगर आपका एग्जाम नज़दीक आता है तो आप बेहतर तैयारी कर पाए। चलिए आज की सीरीज समाप्त होती है, आप सभी का धन्यवाद, और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। निवेदन आप सभी से, किसी तरह का एडवर्टाइजमेंट आता है तो उसे पूरा देखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।